हेलो फ्रेंड्स, स्टार प्लस के नंबर वन सीरियल अनुपमा में चल रहा है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां सीरियल की कहानी में अब आप देखेंगे कि अधिक खोलेगा अपनी दीदी बरखा के सारे राज वनराज के सामने और साफ साफ बता देगा कि आखिरकार डिंपल ऐसा बिहेवियर सबके साथ क्यों कर रही है। जी हाँ दोस्तों, सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि अधिक जो है वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। वो अब पहले वाला अधिक नहीं है जो अपनी दीदी के कंट्रोल में रहे और दीदी के इशारों पर चले। अधिक अब बरखा के साथ रहकर उसकी साजिशें देखता रहेगा और सही वक्त आने पर उसका पर्दाफाश भी करेगा। अधिक अब अपनी बहन बरखा के खिलाफ ही खड़ा नजर आएगा। हालांकि बरखा तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि उसका भाई अब भी उसके कंट्रोल में है, इसीलिए उसने भी अपने भाई अधिक को पैसे और पावर का लालच दे रखा है और कहा है कि ये गोल्डन चांस है हमारे पास अपने सपनों को पूरा करने का। अनुज और अनुपमा सब कुछ छोड़कर चले गए हैं हमारी जिम्मेदारी पर, तो क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं और पार्टनरशिप कर लें। लेकिन अधिक को अपनी सास अनुपमा पर ज़्यादा ट्रस्ट है, बरखा से भी ज़्यादा। तो वहीं शो में आपको देखने को मिल ही रहा होगा कि कैसे शाह परिवार में ड्रामा चल रहा है। डिंपल की वजह से उसने पहले तो अनुपमा की डांस एकेडमी छीन ली, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि डिंपल आखिर ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, इसके पीछे किसका हाथ है, किसने डिंपल को मैनिपुलेट किया है, उसके कान किसने भरे हैं अनुपमा और शाह परिवार के लोगों के खिलाफ। तो इसी बीच आप सबको शो में दिखाया जाएगा कि जब डिंपल रो रही होगी तो बरखा फिर से उसके पास जाएगी और फिर से उसको मैनिपुलेट करेगी और उसे फिर से भड़काने की कोशिश करेगी और ये सब अधिक देख लेगा और वो सीधा पहुंचेगा वनराज के पास और उसे बताएगा कि किस तरीके से उसकी बहन बरखा जो है वो अपना गेम खेल रही है और शाह परिवार में आग लगा रही है, समर और डिंपल को अनुपमा के खिलाफ भड़का रही है। तो वहीं डिंपल भी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही है और बरखा के जाल में फंसकर सबकी बेइज्जती कर रही है और अपना मकसद पूरा करना चाहती है। तो दोस्तों, क्या लगता है अब आपको, क्या अधिक की बातें सुनकर वनराज बरखा की क्लास लगाने जाएगा कपाड़िया हाउस और उसकी अकल ठिकाने लगा पाएगा, और क्या बरखा वनराज की धमकियों से डर जाएगी और सुधर जाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।